Story name is Punishment or Law. This story is begin from chapter 179. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. अविरन ने मुस्कुरा कहा, मैं भी तेरा साथ दूंगा, लेकिन तेरी जंगली बहन को नहीं संभाल सकता, मुझे सिर्फ अपनी बटरफ्लाई को ट्रेन करने दे। उसके छोटे छोटे सपने है जिसमें से कॉलेज लाना, पढ़ाई करना कोई गलत बात नहीं है, ना ही फाइट सीखना, कार चलाना, स्विमिंग करना है। उसे कुछ बेसिक चीजें सिखाना जरूरी है समय, जिसे वो छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामने खुद कर सके। जब तू उसके आसपास ना हो तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। राहुल वरुण अविरन की बात सुन घबराए हुए एक तक समय को देखने लगे। अविरन जो कहा वो तो सही था, लेकिन समय उस पर कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना था। वरुण ने कसके अपने लोकेट को पकड़ लिया। सबकी आंखी में फिर से दर्द दिखने लगा। वरुण अपना सिर पिट मन ही मन उसे कोसते हुए कहता है, इसकी तो इसे कुछ ज्यादा ही हमारी क्यूटी की फिक्र हो रही है, जो शांत हुए शेर को फिर से भरका रहा है और हमारे लिए मुसीबत को बुला रहा है। इसे क्या जरूरत थी बुझ रही आग में पेट्रोल डालने की। फिर उपा की ओर देख के बोला, हे भगवान, अगर आज हम मरे तो हमें भूत बनाना, उपा मत बुलाना, ताकि हम इस अविरन को मरते दम तक परेशान कर सके। भूत बनके इसके पीछे बेताल की तरह चिपका रहूंगा और इसका जीना हराम कर दूं। वरुण खुन्नस भरी नजरों से अविरन को घूरने लगा। अविरन बिना डरे समय को देख रहा था। वहीं राहुल ने तो समय से नजरें ही फेर ली, उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसे देख सके। उसने समय का गुस्सा याद कर डर के मारे अपना थूक निगल लिया। राघव अफान ने भी डर से अपनी नजरें झुका ली। समय को देख उनके हाथ पैर भी कांप रहे थे। तीनों को इस वक्त अविरन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर क्या जरूरत थी उसे समय के सामने फिर से तापसी की बात करने की, ये जानते हुए भी वो तापसी के लिए कितना पजेसिव है, या यू कहो ओवर पजेसिव है। थोड़ी देर खामोशी के बाद समय अपनी गर्दन पर अजीब वे में हाथ फिराया और अविरन को देख बिना किसी इमोशन के बोला, मुझे पता है मेरी बटरफ्लाई के लिए अभी क्या जरूरी है और क्या नहीं। मुझे मेरी वाइफ का नाम तक किसी और के मुंह से सुनना पसंद नहीं। कुछ और तो दूर की बात है, उसकी सांसों से लेके उसके दिल की धड़कन तक पर मेरा नाम है। उसके साथ समय मल्होत्रा का नाम तो अभी जुड़ा है, लेकिन सांसें तो बचपन में ही जुड़ चुकी थी। समय बाकी सबको एक कोल्ड लुक देके आगे बोला, आखिरी बार वोन कर रहा हूँ, अगर अपनी जान और मेरे साथ दोस्ती रखना चाहते हो तो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना और मेरी वाइफ से दूर रहना, यही तुम सबके लिए अच्छा होगा। और सही भी, कल पर फोकस करो, बाकी चीजों से तुम सबका कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर समय वहां से चला गया। उसके पीछे शेरा भी अपने काम के लिए निकल गया। साथ ही जाते हुए अपने साथ राघव अफान को भी ले गया। शेरा राघव अफान से सीनियर था उम्र में भी और ओदे में भी। राघव समय का असिस्टेंट था और अफान समय का खास आदमी, लेकिन शेरा समय की परछाई थी जो दोनों से ज्यादा क्लोज था। समय कहीं भी जाता शेरा उसके साथ होता, फिर चाहे समय उसे मना करे फिर भी किसी साय की तरह उसके साथ रहता। शेरा ने ही समय को सबसे पहले उसकी बटरफ्लाई की इन्फॉर्मेशन दी थी। जब शेरा को पता चला तापसी कोई और नहीं समय का बचपन का प्यार है, तो उसने तुरंत समय तक ये बात पहुंचाई कि सिद्धार्थ जी से शादी करने वाला है, वो आपकी बटरफ्लाई है। समय को जब ये पता चला तो उसने सिद्धार्थ के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिकेट की सांप भी मर जाए और लाठी भी ना तुते, तापसी भी उसे मिल जाए और सिद्धार्थ को मारना भी ना पड़े। वो चाहता तो सिद्धार्थ को मार अपनी बटरफ्लाई को कब का अपने पास ले आता, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही था, जिसलिए उसने सिद्धार्थ को तापसी को खेल में लगाने के लिए मजबूर किया, ताकि वो तापसी को खुद हराए और किसी को पता ना चले तापसी कौन है। समय को अभी तक पता नहीं चला था कि तापसी को उसे दूर करने के पीछे किसका हाथ था। बचपन में जो कुछ भी हुआ था वो कोई हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। राहुल तापसी से समय को दूर कर उसके माँ बाप का एक्सीडेंट करवाना, उसमें राहुल को अपने बायोलॉजिकल फादर का पता चलना, उस पर सारा शक जाना, ये सब एक खेल था जिसका मास्टर माइंड अभी भी पर्दे के पीछे था।
इसलिए समय तापसी को सबसे छुपा के रखना चाहता था ताकि जब तक वो दुश्मन सामने नहीं आ जाता तब तक तापसी सेफ रहे और वो उसके पास ही सेफ थी। समय के जाने के बाद वरुण राहुल अविरन पर चिल्ला के बोली, क्या जरूरत थी उसके आगे फिर से वही बात करने की? तू जानता नहीं वो उसके लिए कितना ओवर पजेसिव है। जीस पर अविरन दोनों को देख के बोला, जानता हूँ, सब जानता हूँ, मैंने उसकी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है, जुनून देखा है, लेकिन उसका क्या? तुम दोनों ने अपनी बहन की आंखों में नहीं देखा? वो बच्ची जीना चाहती है, इस सोने के पिंजरे से आजाद होना चाहती है, अपने छोटे छोटे सपने पूरे करना चाहती है, लेकिन उसके सपनों को कैद कर उसके ही प्यार ने किया है, जिसे वो ना चाहते हुए भी अपने पर नहीं खोल पा रही है, क्योंकि वो बच्ची भी उसे प्यार करती है। मैंने उसके सामने ये बात इसलिए की ताकि वो अपनी बीवी के सपने पूरे कर सके, ना कि उसे गुस्सा दिलाने। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। हॉल में एक बार फिर खामोशी छा गई। समय का रूम। समय जब कमरे में वापिस आया तो उसने देखा उसकी बटरफ्लाई सुकून से घोड़े गधे बेच के सो रही है। वो जिस तरह सो रही थी उसे देख लग रहा था कोई बच्चा सो रहा है। समय उसे देख हल्के से मुस्कुरा के पहले बाथरूम में जाके फ्रेश हुआ, फिर अपने कपड़े बदल सिफे नीचे एक सूट पहन तापसी के पास आके लेट गया। उसके लेटते ही तापसी करवट बदल उसके ऊपर आ गई। समय उसके आते ही मुस्कुराया और उसे ठीक से अपने ऊपर ले लिया। तापसी भी नींद में पूरी तरह उसके ऊपर आके और उसकी पीठ पर हाथ फिरा के मन में बोला, सॉरी बच्चा, मैं अभी तुम्हारे कोई भी सपने पूरे नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मेरी बटरफ्लाई के कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने चाहिए, लेकिन मैं चाहे कर भी उसे पूरा नहीं कर सकता, और कभी करूँगा या नहीं वो भी नहीं जानता, लेकिन जब तक मुझे उसका नाम पता नहीं चल जाता तब तक मैं मजबूर हूँ। मैं तुम्हें खुद से एक पल के लिए भी दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता है, फिर चाहे उसके लिए तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे क्या समझते हैं। इतना कहते हुए समय ने एक गहरी सांस ली और तापसी के सर को प्यार से चुमके अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर एक लड़का रात के 1 बजे स्विमिंग कर रहा था। दूसरा लड़का स्विमिंग कर रहे लड़के को देख लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उस लड़के के मुंह से खून निकल रहा था। राइट साइड गाल पर एक नीला लाल निशान बना हुआ था जिसे देख लग रहा था किसी ने उसे मारा हो। ये दोनों लड़के वही थे जो आज उस आदमी के बुलाने पर गए थे। बाहर खड़ा लड़का स्विमिंग कर रहे लड़के को देख अपने गाल पर हाथ से हल्के हल्के से हिला के बोला, भाई को बता दूंगा कि तूने मुझे मारा। लड़का बिना इमोशन के उल्टा स्विम करते हुए बोला, बता दे, आई डोंट केयर, मैं उनसे डरता नहीं हूँ, डरता नहीं है, लेकिन प्यार तो करता है, उसने कहा तो स्विम कर रहे लड़के ने बोला, इसलिए तो उनके लिए ये सब कर रहा हूँ। स्विम कर रहा लड़का स्विमिंग छोर बाहर आते हुए बोला, उनकी आंखों में पहली बार किसी लड़की के लिए मैंने कुछ देखा, अगर मैं उनको वो भी नहीं दे सकता तो फिर मैं उनका भाई कैसा? लड़का उसकी बात सुन अपना सरहा में हिला के बोला, इसलिए तो मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन वो कैसे अपने भाई से प्यार करेगी? वो तो उस समय मल्होत्रा से प्यार करती है, देखा नहीं के लिए डेविड डेविड करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर प्यार को खत्म नहीं किया जाता तो क्या हुआ, उसे भुलाया तो जाता है? लड़का अपने गीले बाल पोंछते हुए कहता है और जाके साइड में रखी चेयर पर बैठ गया। पीछे से एक आदमी ने आके उनके साइड में रखे टेबल पर वाइन की बोतल और ग्लास रखे। लड़का एक ग्लास उठा के आगे बोला, अभी मैं उसके दिमाग से उस समय मल्होत्रा की सारी यादें मिटा दूंगा, उसके बाद उसके दिल दिमाग जेहन में अगर कोई होगा तो वो सिर्फ अविरन ओबेरॉय होगा, उसके अलावा कोई भी लड़का उसकी जेहन में नहीं रहेगा। जी हाँ, ये दो लड़के कोई और नहीं अविरन के छोटे भाई अव्योम व्योम है। अव्योम व्योम की बात सुन गहरी सांस लेके बोला, भी तेरी बात तो मुझे सही लगती है, लेकिन डर भी लग रहा है। अगर अविरन भाई हमारी इस हरकत पर गुस्सा हो गए तो, अगर उनको तापसी नहीं चाहिए तो? ये सुन व्योम गुस्से में उसे घूर के बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार हमारी ब्यूटीफुल उनको गले लगाएगी भाई, सब भूल जाएंगे, और अगर नहीं भी माने तो हमें मनाना आता है,
जिसे सुन अव्योम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोनों भाई बैठ के ड्रिंक करने लगे। अव्योम ड्रिंक करते हुए बोला, कल का प्लेन किसी भी हालत में पूरा होना चाहिए, वरना हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हो जाएगा भाई सिर्फ, आप उस पर ध्यान दो जो मैंने आपको कहा है, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दो। मैं कैसे भी करके उसे वहां से निकाल लूगा, वो भी बिना किसी को पता चले। मुझे सिर्फ वो टाइम पर चाहिए, व्योम ने फुल कॉन्फिडेंट से कहा। जैसे उसने कोई बहुत बड़ा प्लेन बनाया हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसे देख व्योम के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने भी उसी कॉन्फिडेंट से जवाब दिया, मेरी ओर से कोई गड़बड़ नहीं होगी, डोंट वरी। इन सबसे अनजान अविरन कल की मीटिंग की तैयारी कर रहा था। उसे दूर दूर तक अपने भाइयों के प्लेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो इस वक्त अपने असिस्टेंट केविन से बात कर रहा था। केविन अविरन से फोन पर बात करते हुए कल की मीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा था, साथ ही कल जो होने वाला है उसके लिए तैयार होने को भी बोल रहा था। केविन सर, ऑल द बेस्ट, कल आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, अविरन गहरी सांस लेके कहता है। दिन जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी। वो तो है सर, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलने वाली है। वो तो सोचिए, आज तक पूरे माफिया वर्ल्ड में कोई भी किंग के साथ हेड नहीं बना, केविन ने मुस्कुरा के कहा। जीस पर अविरन भी हल्का मुस्कुरा के बोला, वो तो पता है, लेकिन कल खुशियां मिलेगी या मुसीबत वो नहीं पता, लेकिन जो भी होगा आसान नहीं होगा। मुझे पता नहीं मैं कैसे एक साथ दो खतरों का सामना करूंगा। अविरन की बात सुन केविन भी कल के लिए थोड़ा टेंशन में आ गया। उसे भी पता है कल कितना बड़ा दिन है और कितना खतरनाक है, लेकिन कल का दिन बिना किसी खतरे के निपट जाए ये तो कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी देर केविन के साथ बात करने के बाद अविरन फोन रख दिया और काले अंधेरे में फैली चांद की रोशनी को देखने लगा। इस वक्त उसके अंदर कितने ही तूफान चल रहे थे, जिसे वो अंदर और बाहर दोनों से लड़ने की तैयारी कर रहा था। अविरन अपने हाथ में पहनी वॉच और गले में पहना लॉकेट देख गहरी सांस लेके बेड पर आके लेट गया। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वही इलियाना किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर जो गुस्सा था वह एक खतरनाक स्माइल थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इलियाना सामने किसी से खतरनाक वॉइस में कहती है, कल कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कह के उसने फोन रख दिया और बाहर चांद को देख जोर जोर से हंसने लगी। वरुण राहुल भी कल के बारे में सोच रहे थे। दोनों की आंखों में भी नींद का नामो निशान नहीं था। कल के दिन ने सबकी नींद उड़ा दी थी। कल का दिन सबकी जिंदगी में काला तूफान लेके आने वाला है। कौन इस तूफान से लटके भी खड़ा होता है और कौन इसके आगे घुटने टेकता है, वो तो वक्त ही बताएगा। किसका प्लेन कल कामयाब होगा वो भी कल ही पता चलेगा। अगली सुबह मुंबई की सड़कों पर एक कार फुल स्पीड में जा रही थी। उसकी स्पीड देख बाकी गाड़ियां अपने आप उसके रास्ते से साइड हो गई। कार फुल स्पीड से एक के बाद एक सिग्नल तोड़ आगे जा रही थी। उसके पीछे काफी सारे ट्रैफिक हवलदार की गाड़ियां भी आ रही थी। जितने सिग्नल उसने तोड़े उतने तो शायद ही किसी ने तोड़े होंगे। कार ने आगे जाके उतनी ही स्पीड से यू टर्न लिया और एक रेसिडेंट विला के सामने आके जोर से कार रुकी। कार जितनी स्पीड से आई थी और विला के सामने रुकी, उसे वह खड़े गादौस की धड़कने भी तेज हो गई। सब अपनी जगह से पीछे हो गए। कार के रुकने से उसके टायर में से आग की तरह चिंगारी बाहर निकली, जिसे देख सब हैरान थे। कार सीधा विला के गेट से टचोटच रुकी थी, जिसे गेट पर लगा साइरन्स अपने आप बजने लगा। साइरन्स की आवाज सुन वह खड़े गार्डसन ने अपने कानों पर हाथ रख दिया। साइरन्स काफी तेज बज रहा था, जिसे किसी के भी कान के पर्दे फट जाए। पीछे से पुलिस की गाड़ियां भी वहां आ गई। एक ट्रैफिक हवलदार अपनी बाइक पे से उतर कार के पास आके सिसे पर डंडे से नोक कर बोला, अबे तेरे बाप का रोड समझ रखा है, जो ऐसे गाड़ी चला रहा था बाहर निकल, तूने छह सिग्नल तोड़े है, ऊपर से क्रैश ड्राइविंग की है। आज तो बेटा तेरी खैर नहीं, बाहर निकल, आज तुझे जेल जाने से तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। कार के शीशे ब्लैक थे, इसलिए अंदर कौन है पता नहीं चल रहा था। बाहर से ट्रैफिक पुलिस उस पर चिल्ला रहा था,
तब कार का दरवाजा खुला और एक लड़की ब्लैक जींस ब्लैक जैकेट पहने बाहर आई। लड़की को देख ट्रैफिक हवलदार की बोलती ही बंद हो गई। लड़की को देख वह खड़े गार्ड्स भी सोकत थे। साइरन्स की आवाज सुन विला से एक आदमी बाहर आते हुए बोला, रमेश ये कैसा शोर है, आवाज बंद करो। रमेश उस गेट पर खड़े एक दादा का नाम था रमेश आगे आके कहता है, वरुण सर गेट का साइरन्स इस लड़की ने तोड़ दिया, इसलिए बंद नहीं हो रहा, आदमी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वरुण गेट के पास आके उस लड़की को ऊपर से नीचे देखने लगा, तब तक साइरन्स भी बंद हो गया। लड़की को देख वरुण अपने हाथ जेब में डाले हुए बोला, कौन हो तुम और ये क्या हरकत है, तुम्हें पता है तुमने किसके गेट को टक्कर मारी। लड़की अपनी आंखों से गोगल्स निकाल के एटीट्यूड से चल के वरुण के सामने जाके बोली, हूँ कौन छू ए तो पछी कफपेला, मने एम को मारी बबली कया छे में कौन हूँ वो तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ मेरी बबली कहा है। लड़की की बात वरुण तो क्या वहा खड़े किसी भी आदमी को समझ नहीं आई। वरुण लड़की को आंखें छोटी कर घूर के बोला, ये तुम कौन सी भाषा में बात कर रही हो। लड़की अपने बालों को पीछे झटके बोली, अरे गांधा हूँ तने पूछू छू मारी बबली क्या छे, ने तू मने भाषा पूछे छे तने आतलू समझ नथी आवतू हुसू बोलू छू, अरे पागल में पूछ रही हूँ मरी बबली कहा है और तू मुझे भाषा पूछ रहा है, तुझे इतना समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। वरुण उसकी बात अभी भी ना समझ के अपने पास खड़े आदमी से बोलता है, तुझे समझ आया ये पागल लड़की क्या बोल रही है। आदमी अपना सर खुजाते हुए नामे सर हिला के कहता है, सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये लड़की क्या बोल रही है। पीछे खड़ा हवलदार आगे आके कहता है, सर ये लड़की गुजराती बोल रही है और वो किसी बबली नाम की लड़की के बारे में पूछ रही है। वरुण हवलदार की बात सुन अपनी आंखें छोटी कर लड़की को घूरने लगा। लड़की वरुण को ऐसे खुद को घूरते देख अपनी आंखें बरी कर अपने मुंह पर हाथ रख के बोली, हो लुच्चा तू मने घुरे केम छे, शूते कोया सुंदर छोकरी नथी जोई जो आम मने मोती मोती आंखों थी घुरी रहियो छे ओए लफंद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुने की, कभी किसी सुंदर लड़की को नहीं देखा। वरुण लड़की की गुजराती सुन अपना सर खुजाने लगा, उसे गुजराती का जी तक नहीं आता था, उसने समय के साथ सारी भाषाएं उनकी बोली सीखी, सिफे गुजराती को छोड़ के उसे लगता था गुजराती सीख के क्या मतलब, तब समय ने उसे काफी समझाया था कि वो सीख ले आगे जाके काम आएगी, लेकिन उसने सोचा उसे कहा गुजरात जाना है फिर सीख कर गया ही फायदा, ये सोच उसने नहीं सीखी। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि क्यों उसने गुजराती नहीं सीखी, अगर सीख लेता तो आज उसे समझ तो आती लड़की की बातें उसके सर के ऊपर से तो नहीं जाती। वो यही सब सोच रहा था कि उसके पीछे से किसी आवाज आई जिसने लड़की को नाम लेके पुकारा, अंजलि तू हिया अंजलि तुम यहा। वरुण अपने पीछे से आवाज सुन गदन घुमा के जैसे ही देखा वो हैरान हो गया, क्योंकि पीछे कोई और नहीं तापसी खड़ी थी। तापसी को ऐसे विला से बाहर आता देख वरुण घबरा गया, वो तुरंत उसके पास आके आसपास देखने लगा। वह खड़े सारे गादौस ने पहले ही अपना सर झुका लिया था, जिसे देख वरुण ने लंबी सांस ली। फिर तापसी को देख थोड़ा परेशान होके बोला, क्यूटी तुम बाहर क्यों आई और समय कहा है, उसने तुम्हें ऐसे अकेले बाहर कैसे आने दिया। तापसी को बाहर देख वरुण कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। तापसी वरुण को देख अपने होंठ गोल करके मासवत सी आवाज में बोली, वो तो सो रहे हैं, मैं जल्दी उठ गई इसलिए तैयार होके नीचे आ गई, लेकिन जब नीचे आई तो बाहर से जोर जोर से आवाज आ रही थी जिसे सुन में बाहर देखने आई। वरुण ने जैसे ही ये सुना वो सोकत हो गया, आंखें बरी हो गई। वो सोकत के मारे तेज आवाज में बोला, वोट तुम उसे बिना बताए कमरे से बाहर आई हो। वरुण को लगा था वो सिफे विला से बाहर उसे बिना बताए आई होगी, लेकिन यहाँ तो वो कमरे से बाहर भी उसे बिना बताए आई है, वो भी तब जब वो सो रहा है। ये सुन वरुण और भी परेशान हो गया, उसे अपनी आंखों के सामने समय का गुस्से वाला चेहरा नजर आने लगा। वरुण तापसी का हाथ पकड़ अंदर ले जाते हुए कहने लगा, तुम पहले उसके पास जाओ, अगर उसने तुम्हें कमरे में नहीं
देखा तो वो पूरा मुंबई सर पर उठा लेगा, तुमने गलती कर दी, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगा। वरुण ये सब बोलते हुए तापसी को लगभग खींचते हुए अंदर ले जाने लगा कि तभी किसी तापसी का हाथ पकड़ वरुण के हाथ से एक झटके में दूर कर दिया और दोनों के बीच में आके खड़ा हो गया। वरुण तापसी का हाथ ऐसे अपने हाथ से छूटने से गुस्से में बीच में खड़ी लड़की को देखने लगा, जिसने अभी तापसी को उसे दूर किया था। बीच में वही लड़की खड़ी थी जिसे तापसी ने अभी अंजलि कह के बुलाया था। वरुण की आंखें उसे देख और भी शद हो गई। वरुण कोल्ड वॉइस में लड़की को घूर के बोला, ये क्या बदमिजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी क्यूटी को मुझसे दूर करने की। लड़की तापसी को अपने पीछे कर वरुण की टोन में बोली, तारी आपली हिम्मत ते मारी बबली ने हाथ लगा रियो, तू जो हवे हूँ तारी साथे शू करू छू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मी बबली को हाथ लगाया, अब तू देख मैं तेरा क्या करती हूँ। अंजलि अपने हाथ कराते स्टाइल में आगे कर वरुण को देख अपनी लात घुमा के जोर से एक किक मारी। ये सब उसने पलक झपकते किया जिसे वरुण कुछ समझने का या बचने का मौका ही नहीं मिला। किक पड़ते ही वरुण की जोर से चीख निकल गई। अंजलि ने किक वरुण के दो पैरों के बीच में मारी थी जिसे वरुण की दद नाक चीख निकल गई और वो धम से नीचे बैठ गया। वरुण को किक पड़ता देख वह खड़े सभी गादोस ने अपनी गन निकाल अंजलि की ओर पॉइंट कर दी। पीछे खड़ी तापसी ये देख सोकत थी, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कभी अपने आगे खड़ी लड़की को देखती तो कभी वरुण को तो कभी आसपास खड़े गादोस को जो गन लेके खड़े थे। तापसी इस वक्त काफी डर गई थी। दो गाद आगे आके वरुण को संभालते हुए, सर सर आप ठीक तो है, आपको ज्यादा लगी तो नहीं। उनकी बात सुन वरुण गुस्से में दोनों को घूर के दांत पीस के बोला, अंधे हो, दिख नहीं रहा, कहा लगी है और बोल रहे हो, लगी तो नहीं, सॉरी सर, हमें दिख तो रहा है लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो जगह आपकी है, हम आपको तभी मदद कर सकते हैं जब आपको चोट ऊपर लगी हो, नीचे नहीं। एक गादर ने कहा, हम आपको डॉक्टर के पास ले चले। दो गादोस में से दूसरे गादर ने सर झुका के कहा तो वरुण गुस्से में चिल्लाया, बेवकूफ, डॉक्टर को यहाँ बुलाओ और इस लड़की को कोटेज में ले जाओ, इसे तो मैं बाद में देखता हूँ। वरुण अपने दोनों हाथ अपनी पैंट पर रख दद से तड़प रहा था। अंजलि ने सच में काफी जोर से किक मारी थी। वरुण गुस्से में अंजलि को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जो अपने हाथ झटक कर उसे स्टाइल लुक दे रही थी। देसे बोल रही हो, बचकर रहना, सॉरी सर, हमें दिख तो रहा है लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते, वो जगह आपकी है, हम आपको तभी मदद कर सकते हैं जब आपको चोट ऊपर लगी हो, नीचे नहीं। एक गादर ने कहा, हम आपको डॉक्टर के पास ले चले। दो गादोस में से दूसरे गादर ने सर झुका के कहा तो वरुण गुस्से में चिल्लाया, बेवकूफ, डॉक्टर को यहाँ बुलाओ और इस लड़की को कोटेज में ले जाओ, इसे तो मैं बाद में देखता हूँ। वरुण अपने दोनों हाथ अपनी पैंट पर रख दद से तड़प रहा था। अंजलि ने सच में काफी जोर से किक मारी थी। वरुण गुस्से में अंजलि को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था, जो अपने हाथ झटक कर उसे स्टाइल लुक दे रही थी। देसे बोल रही हो, बचकर रहना। अंजलि को उन गादोस की गन देखकर भी कोई डर नहीं लगा, वो ऐसे खड़ी थी देसे ये सब उसके लिए कुछ भी ना हो। गादोस उसे देख हैरान थे, वो सब अपने सामने खड़ी लड़की को ऐसे देख सोकत थे, उनको यकीन नहीं हो रहा था ऐसी भी कोई लड़की है जो गन देख कर भी ऐसे खड़ी है। एंजल अपनी चारों ओर नजर घुमा के तापसी को अपने पीछे कवते हुए बोली, बबली तू मारी पाछल रेजे हूँ तने के नए अथवा दवा बधाने हूँ, जो लेस बबली तुम डरना मत, मेरे पीछे रहना, में इन सबको देख लूगी। लेकिन तापसी ने तो उसकी बात ही नहीं सुनी, उसकी नजरें तो वरुण पर थी, जो दद से बुरी तरह छटपटा रहा था। उसे दद में देख तापसी की आंखों में आंसू भर आए। वो अंजलि का हाथ अपने हाथ से छुरा के वरुण के पास जाके घुटनों पर बैठ गई और वरुण के कंधे पर हाथ रख के रुआसी आवाज में बोली, भाई आप ठीक तो होना, आपको बहुत दर्द हो रहा है भाई। वरुण जिसने दद में अपनी आंखें बंद करी थी, उसने जैसे ही तापसी की रुआसी आवाज सुनी, उसने झट से आंखें खोल दी और तापस को देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू देखे उसका परेशानी भरा चेहरा देख वरुण घबरा गया।
वो अपना दर्द देसे तेसे कंट्रोल कर अपना सर ना में हिला के अपने चेहरे पर छोटी सी स्माइल लाके तापसी के गाल पर हाथ रख के बोला, नहीं क्यूटी, आपके भाई को इतना दर्द नहीं हो रहा, आप प्लीज परेशान मत हो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो खुद को ठीक बता तो रहा था लेकिन उसे कितना दर्द हो रहा था वही जानता था। अंजलि की किक उसे काफी तेज लगी थी जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वरुण ने जब तापसी की आंखों में आंसू देखे तो उसे खुद से ज्यादा तापसी को देख डर लग रहा था, कहीं वो रोने ना लगे। अगर वो रोई तो समय को पता चल जाएगा और वो उसे नहीं छोड़ेगा। उसे समय के गुस्से से डर लग रहा था। कल जिस तरह समय गुस्सा हुआ था, उनको जैसी सजा मिली थी, जिसे याद कर वरुण के रोंगटे खड़े हो गए थे। तापसी की आंखों में आंसू कभी भी बाहर आने वाले थे, जिसे देख वरुण कुछ सोच अपने चेहरे पर जबरदस्ती स्माइल लाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्यूटी देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज तुम रोना मत, प्लीज क्यूटी रोना मत, वरना तुम्हारा वो राक्षस गुस्सेल पति मुझे छोड़ेगा नहीं, प्लीज क्यूटी रोना मत। वरुण ने जैसे ही समय को राक्षस कहा, तापसी की हंसी निकल गई। वो खिलखिला के हंसने लगी। उसकी मीठी सी हंसी ने पूरे माहौल को बदल दिया। वरुण उसकी हंसी सुन एक राहत की सांस ली। उसने समय को राक्षस कहा ताकि वो तापसी का ध्यान डाइवर्ट कर सके और उसे रोने से रोक सके, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तापसी वरुण के छोटे से मजाक में उसका दर्द भूल गई। वरुण को भी अपने दर्द में थोड़ी राहत मिली। पीछे खड़ी अंजलि तापसी को इस तरह हंसता देख हैरान थी। वो कभी तापसी को देखती, कभी वरुण को, उसके चेहरे से ही पता चल रहा था वो कितनी हैरान और कंफ्यूज है। वो तापसी के मुंह से वरुण को भाई कहता सुन स्पीचलेस हो चुकी थी। वो तापसी को बाजू से पकड़ खड़ा कर अपनी भाषा में कहती है, बबली तू आने भाई केम बोले छे, शू आ तारो भाई छे, पन तारो भाई तो राहुल छे, ने आ तो कोया बिजो छे, बबली तुम इसे भाई क्यों बोल रही हो, क्या ये तुम्हारा भाई है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई तो राहुल है और ये कोया और है। तापसी उसकी बात सुन वरुण की ओर देख मुस्कुरा के अंजलि को उसी की भाषा में बोली, अंजलि आ मारो बिजो भाई छे, वरुण भाई में तने किधू तू मारी पासे, एक नए बे भाई छे ने एक डेविड पंछे, अंजलि ये मेरा दूसरा भाई है। वरुण भाई मैंने तुझे कहा था मेरे पास एक नहीं दो भाई है और एक डेविड है। वरुण दादोस के सहारे खड़ा हो गया। वो अंजलि को घूर के तापसी से पूछता है, क्यूटी क्या तुम इसे जानती हो और तुम्हें इसकी लैंग्वेज आती है। वरुण ज्यादा हैरान तापसी के गुजराती बोलने से हुआ था। उसने कभी तापसी को किसी और भाषा में बात करते नहीं देखा था। तापसी उसकी बात पर बड़ी मासूमियत से अपना सर में हिला के अंजलि को वरुण से मिलवाते हुए बोली, भाई इनसे मिलिए, ये मेरी बचपन की दोस्त अंजलि है। जब मैं राहुल भाई के साथ आर्मी बेज में रहती थी तब यही एक लड़की थी जो मेरी दोस्त थी, और अंजलि ये मेरे दूसरे भाई वरुण है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, और वरुण भाई मुझे गुजराती आती है, इसके साथ रह के मैंने ये सिखा था, इसने मुझे और भी भाषाएं सिखाई है। वो फिर अंजलि की ओर देख के बोली, लेकिन इसे हिंदी भी आती है। तापसी अंजलि को देख, तुमने भाई से हिंदी में बात क्यों नहीं की। अंजलि उस पर एक हाथ से कान पकड़ के बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो वरुण को देख आगे बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बबली के भाई हो, मुझे लगा आप इसके डेविड हो, इसलिए मैंने आपको इतनी जोर से मारा, सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे थोड़ी बदतमीजी कर दी। अंजलि ने जब सुना वरुण तापसी का भाई है तब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया। उसे लगा वरुण समय है। अंजलि उस पर एक हाथ से कान पकड़ के बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। वो वरुण को देख आगे बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे नहीं पता था आप बबली के भाई हो, मुझे लगा आप इसके डेविड हो, इसलिए मैंने आपको इतनी जोर से मारा, सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे थोड़ी बदतमीजी कर दी। अंजलि ने जब सुना वरुण तापसी का भाई है तब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या किया। उसे लगा वरुण समय है। अंजलि वरुण के पास जाके उसे जहां किक मारी थी उस पर हाथ रख के बोली, सॉरी सर, मुझे लगा आप कोया और हो और आप निकले कोया, और मैंने आपको उसे समझ के किक की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
अंजलि के वह हाथ रखते ही वरुण की आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। वरुण अंजलि का हाथ अपनी पैंट पर देख सोकत के मारे कभी उसे देखता तो कभी अपने आसपास खड़े गादौस को जो सब उसे ही देख रहे थे। वरुण गादौस की नजरें खुद पर देख उसने तुरंत अंजलि का हाथ वहां से हटा के लगभग उस पर चिल्ला के बोला, पागल हो गई हो क्या, ये क्या बेशर्मी कर रही हो। अंजलि उसके चिल्लाने पर भी ना समझ के फिर से वही हाथ रख के बोली, मैंने आपको मारा इसलिए सॉरी बोल रही हूँ और आप हो कि मुझ पर चिल्ला रहे हो। वरुण फिर से उसका हाथ वहां देख वहां से हटा के दांत पिसके बोला, ये तुम दूर से भी बोल सकती हो, पास आके बोलने की कोई जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ऐसे कैसे माफी मांग सकती हूँ आपको, मैंने इतनी जोर से किक की कहीं आपको खून ना निकला हो, एक बार देख लीजिए अगर निकला हो तो मैं आपको अपनी कार में हॉस्पिटल ले जा सकती हूँ, इलाज के सारे पैसे भी दे दूंगी, अंजलि ने एक बार फिर उसके करीब जाते हुए कहा। तो वरुण उसे दो कदम पीछे हो गया, फिर भी अंजलि नहीं रुकी, वो उसके करीब जाके उसका हाथ पकड़ बोली, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। वरुण अब अपने हाथ को देखने लगा जिसे अंजलि पकड़ के उसे बोल रही थी, वो अपने सामने खड़ी लड़की को देख और भी हैरान था। उसकी बातें सुन वरुण को 880 वोल्ट के झटके लग रहे थे और उसकी हरकतों से 1280 वोल्ट के। वरुण मन ही मन अंजलि को कोसते हुए आसपास देखते हुए बोला, ये लड़की है या मुसीबत, पहले मुझे वहां किक की फिर उसे सबके सामने वह हाथ लगा रही है, बेवकूफ गधी, इसे इतना सेंस नहीं है कि वो एक आदमी को कहां छू रही है, यहाँ इतने लोग खड़े हैं लेकिन इस बेशम लड़की को तो देसे कुछ और ही दिख रहा है। वरुण मन ही मन अंजलि को कोसे जा रहा था। अंजलि फिर से उस पर हाथ रख से हिलाने लगी जिसे वरुण को एक झटका लगा और वो उसे खुद के चार कदम पीछे हो गया। तापसी अंजलि का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर घुमा के बोली, अंजलि तुम भाई को हॉस्पिटल बाद में ले जाना, पहले मेरी बात का जवाब दो कि तुम यहाँ कैसे आई, मैंने तो तुमसे कितने टाइम से बात नहीं की और यहाँ आने वाली बात भी नहीं बताई, फिर तुझे यहाँ का पता कैसे चला। अंजलि उस पर जैसे ही कुछ कहने वाली थी वह एक लेडी सर्वेंट भागते हुए आके तापसी के आगे सर झुका के बोली, मैडम आप यहाँ है, जल्दी चलिए। सर उठ गए है, वो कब से आपको आवाज लगा रहे है, सर बहुत गुस्से में है। तापसी ने जैसे ही उसकी बात सुनी कि समय उठ चुका है और वो गुस्से में है तो वो घबरा गई। वरुण ने भी ये सुना तो वो तापसी को देख जल्दी से बोला, क्यूटी बाकी सब छोड़ो, तुम अभी इसी वक्त उसके पास जाओ, मैं तुम्हारी दोस्त का ख्याल रख लूंगा। तापसी वरुण की बात पर एक नजर अंजलि को देखा, मैं सर हिला के विला में चली गई, समय की आवाज होल तक सुना दे रही थी, जिसे सुन तापसी भागते हुए सिरिया चरने लगी। तापसी थोड़ी ही देर में कमरे के बाहर पहुंच गई, उसने जैसे ही कमरे कदम रखा समय की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में आई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे कमरे से बाहर जाने की। समय तेज कदमों से तापसी के पास आके उसा कमर से पकड़ दीवार से लगा के दांत पीस के बोला, आंसमी किसे पूछे के बाहर गई थी। तापसी समय को इतना गुस्से में देख उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। तापसी आज एक गोपी की तरह तैयार हुई थी, उसने पर्पल कलर का लहंगा पहना था, उस पर गुलाबी रंग का दुपट्टा डाला हुआ था, आंखों में काजल, हल्का मेकअप, गले में मोरपंख की डिजाइन का नेकलेस, हाथों में मल्टी कलर की चुड़िया। समय ने जब तापसी को ऐसे तैयार हुए देखा तो उसका आधा गुस्सा अपने आप कम हो गया, उसकी पकड़ तापसी पर हल्की धीरी हुई लेकिन पूरी तरह नहीं। तापसी की काजल से सनी आंखों में समय का पहले वाला रूप देख आंसू आ चुके थे, जिसे देख समय उसे कमर से पकड़ हल्के से लिफ्ट करा के उसे बिस्तर पर बिठा के खुद उसकी गोद में सर रख लेत गया। समय उसका दुपट्टा साइड कर अपना चेहरा उसमें छुपा के बोला, आज जो किया वो दोबारा मत करना बटरफ्लाई, वरना में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। समय उसके हाथ को पकड़ अपने बालों पर रख दिया और उसे सहलाने को कहा। तापसी कैपते हाथों से उसके बाल सहला के दरी हुई धीमी आवाज में बोली, सर सॉरी डेविड। समय उसके होठों पर उंगली रख, कोई बात नहीं,
तापसी की आंखों से आंसू की एक बूंद निकल गालों पर आ गई। समय उसे अपनी उंगली से साफ करके उसे सीने से लगा लिया। तापसी भी उसे लिपट के सुबकने लगी। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू स्टोरी नेम इज पनिशमेंट और लॉ। दिस स्टोरी इज बिगेन फ्रॉम चैप्टर 185 to 190। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यूज एंड पुट ऑन योर ईयरफोन्स बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर बेटर एक्सपीरियंस। कुछ दूर बाद सब तैयार होके हॉल में मौजूद थे। समय हमेशा की तरह ब्लैक थरी पीस सूट में था। वरुण राहुल फॉर्मल कपड़ों में थे। वरुण का दर्द अब कम हो चुका था। अविरन समय की तरह ब्लू बिजनेस सूट में था। केविन अविरन को लेने विला में आया था। इलियाना श्लोक के साथ तैयार होके नीचे आई। वो तापसी को देख उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेस आए जिसे उसने बहुत जल्दी छुपा भी लिया। श्लोक ने जन्माष्टमी के अकॉर्डिंग ब्लू कुर्ता सफेद सलवार ऊपर पिंच कोटी पहनी थी। इलियाना ने तापसी की तरह इंडियन आउटफिट पहना था लेकिन उसने मेकअप ज्यादा किया था। तापसी को देख राहुल ने पहले उसकी नजर उतारी। उसकी छोटी बहन आज किसी राधा की तरह लग रही थी लेकिन समय उसका कान्हा था या नहीं उस पर राहुल को अभी भी डाउट है। समय राहुल को तापसी के करीब देख उसे घूर रहा था। वही वरुण भी कब से अंजलि को घूर रहा था जो तापसी के पास खड़े समय को घूर रही थी। तापसी अंजलि को समय से मिलवाते हुए कहती है, डेविड ये मेरी दोस्त है। अंजलि जब राहुल भाई और हम गुजरात गए थे तब इसे मेरी दोस्ती हुई थी और अंजलि ये मेरे डेविड है, मेरी हबी। अंजलि समय को देखते हुए बोली, तो आप है वो डेविड जिसने मेरी दोस्त को मुझसे दूर किया, उसे डर के जीने पर मजबूर किया। समय उसके मुंह मेरी दोस्त सुन उसकी आंखें छोटी हो गई और तापसी की कमर पर पकड़ कस गई। उसे अपने ओर करीब करके अंजलि को देख के शदव आवाज में बोला, सी इस माय आइंदा से मेरी चीज को अपनी कहने की हिम्मत मत करना वरना कहने लायक नहीं बचोगी। अंजलि समय की धमकी सुन हंसते हुए क्लिप करने लगी और समय के सामने जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के बोली, अंजलि मेहरा किसी से डरती नहीं है, तुम होगे अमेरिका के किंग लेकिन मैं भी अंजलि मेहरा हूँ और मेरी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो कोई चीज नहीं है जिसे कोई भी आके अपनी कहेगा और उसकी मासवत का फायदा उठाएगा। मैं उसकी दोस्त हूँ, मेरे होते हुए कोई भी उसे कुछ नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। अंजलि की बात सुन समय की आंखें और शद हो गई। उसने तापसी को पूरी तरह खुद से चिपका लिया। वही राहुल वरुण अविरन अंजलि को समय से ऐसे बात करते देख सोकत थे, खासकर राहुल। राहुल एक नजर समय को देख फिर जल्दी से अंजलि का हाथ पकड़ उसे पीछे खींच के बोला, मेरी माँ यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई है या आग लगाने? शायद से वरुण ने कहा, आग लगाने के लिए ये खुद चलती फिरता बारूद है जो जब से आए है फट रहा है। अंजलि वरुण की बात पर उसे गुस्से में घूर के बोली, अपना मुंह बंद करके रखोगे यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा वरना इस बार बच गए अगली बार बाप बनने लायक नहीं छोड़ूंगी। फिर राहुल की ओर देखकर बोली, भाई आप मुझे रोक रहे हो, ये आदमी आपके सामने अपनी क्यूटी को डरा के रखता है और आप उसे कुछ बोलने की बजाय मुझे बोल रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो कहते थे आपकी क्यूटी को इस आदमी से खतरा है, फिर अब क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं है भाई कि इस आदमी ने आपको ब्लैकमेल किया और हमारी क्यूटी के साथ जबरदस्ती शादी की? अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, मैं इस आदमी को अंजलि स्टॉप इट एक और वर्ड अपनी जबान से मत निकालना वरना मैं क्या कर जाऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकती। राहुल उसकी बात बीच में काट के उस पर चिल्लाया। राहुल कसके अपनी आंखें एक बार बंद कर फिर खोल के अंजलि को देखते हुए कहा, देखो अंजलि अभी तुम समय के बारे में कुछ नहीं जानती इसलिए अपनी बकवास करना बंद करो और चुप रहो। एक बार हमारी आज की मीटिंग हो जाए फिर तुम्हें सब बता दूंगा, तब तक प्लीज शांत रहो और यहाँ जिस लिए आई हो उस पर फोकस करो। वरुण ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर कहा, राहुल इस आफ्त को तूने बुलाया ही क्यों? राहुल अपनी गलती पर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी यार मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ आके ये सब
करेगी। इसने मुझे मैसेज कर कहा था कि वो सिफे क्यूटी से मिलना चाहती है, इसलिए मैंने इसे यहाँ का पता दिया। लेकिन अब लगता है मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी इस यहाँ बुला के। अंजलि ये सुनकर राहुल से बोली, भाई आप मुझे ये सब बोल रहे हो? राहुल उसे मुंह फेर समय को देख अपने हाथ जोड़ के बोला, सॉरी समय, मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसे इसे बुलाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ कर दे। वरुण गुस्से में अंजलि को घूर के देख रहा था, उसने अपने हाथों की मुठिया कसी हुई थी, वही समय की आंखें भी अब तक पूरी लाल हो चुकी थी, उसकी पकड़ से तापसी को अब दर्द हो रहा था, जिसे उसकी हल्की सिसक निकल रही थी। तापसी समय के हाथ पर अपना हाथ रख हल्के से सिसकते हुए बोली, हबी दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे पकौना। समय जो गुस्से में फटने ही वाला था, उसने जैसे ही तापसी की मीठी आवाज सुनी उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और उसने अपनी पकड़ तापसी पर हल्की ढीली कर दी। फिर एक नजर सबको देख बिना कुछ बोले वहां से तापसी को लेके निकल गया। उसे जाते देख वरुण भी उसके पीछे चला गया। जाते हुए उसने एक नजर अंजलि को देखा, बाकी सब भी धीरे धीरे मेंशन से निकल गए। अब वहां सिर्फ अंजलि बची थी। वो आखिर में पूरे विला को देख अजीब सी स्माइल करके सिटी बजाने लगी। मेंशन में ना ही कोई सर्वेंट था ना ही गादा। एक घंटे में सब अपनी डेस्टिनी पर पहुंच गए। समय का गुस्सा कार में तापसी से प्यार करके कम हो चुका था। समय अब पहले की तरह नॉर्मल एक्सप्रेशन लेस था। पहले उसने अपने बाल कपड़े ठीक किए, फिर तापसी के कपड़े बाल सहकर पहले खुद कार से बाहर आया, फिर तापसी को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। तापसी कार से बाहर आके और भी ग्लो कर रही थी। उसकी नजरें और सर झुका हुआ था। गालों पर समय के प्यार की रौनक साफ दिख रही थी। उसके गाल बिना मेकअप के भी लाल हो चुके थे, साथ ही उसके गले पर कुछ प्यार की निशानी भी आ चुकी थी। तापसी के बंधे हुए बाल अब खुल चुके थे। उसका दुपट्टा जो सेफ्टी पिन से लॉक था वो अब खुल चुका था और वन साइड हो चुका था, जिसे उसकी कमर पेट पूरी तरह दिखाई दे रही थी, जिसमें वो और भी के धा रही थी। वही समय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका चेहरा पहले की तरह भावहीन था। बाकी सब भी अपनी कार से बाहर आ गए। समय एक नजर तापसी को देख उसकी कमर पर हाथ रख धीमी आवाज में बोला, बटरफ्लाई योर टेस्ट इज सो स्वीट लाइक ए चॉकलेट केक, आई लाइक इट। तापसी समय की बात सुन और भी बल्स करने लगी। उसने साइड से समय को हग कर लिया और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। समय ने बिना किसी इमोशन के एक हाथ से उसकी कमर सहला के सामने चल रही दही हांडी की तैयारी देखने लगा। आज उनकी मीटिंग जहां होने वाली थी वो मुंबई का सबसे बड़ा रिजोर्ट होटल है, जिसके सामने हर साल दही हांडी का आयोजन होता है। अविरन हर साल उस दही हांडी में पैसे डोनेट करता है, जो इस साल भी किए, और साथ ही अपने दोनों भाई जो यहाँ हर साल की तरह मटकी फोर में भाग लेते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी और टाइट कर दी। अविरन समय को देख उसके पास आके थोड़ी परेशानी भरी आवाज में बोला, आज की मीटिंग बिना धमाके बिना किसी वो के हो, यही करना प्लीज। समय ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो ऐसे ही भावहीन नजरों से सामने देख फिर अंदर की ओर जाते हुए बोला, अपने भाई ऊपर नजर रखो, वरना कहीं दूसरों की फिक्र करने में अपने भाई को हाथ से खोना दो। इतना कहकर समय तापसी को लेके होटल के अंदर चला गया। अविरन को उसकी बात समझ नहीं आई। वो समय की बात सोच नीलग, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने केविन को बोल व्योम व्योम की सिक्योरिटी और बाने को कहा और वो भी होटल में चला गया। बाकी सब भी अंदर चले गए। उनके जाने के 20 मिनट बाद रंजीत राय सिघानिया अपने बेटे जीत के साथ वहां आ गया। रंजीत राय अपने आदमी से मीटिंग के बारे में बात कर रहा था। जीत कार से उतर आसपास अपनी नजरें फेर रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। जीत के साथ एक लड़की खड़ी थी, जिसकी कमर पर जीत ने हाथ रखा हुआ था। लड़की जीत को ऐसे नजरें घुमाते देख उसके सीने पर उगली फिरा के सिडेक्टिव वॉइस में बोली, क्या हुआ बेबी, किसे ढूंढ रहे हो? जीत उसकी उगली अपने सीने से हटा के रुड टोन में बोला, अपने काम से काम रखोगी तो अच्छा होगा, मैं किसी को ढूंढूं चाहे देखूं, तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लड़की को उसके ऐसे हाथ हटाने से गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने जूठी मुस्कुराहट लाके फिर से उसके करीब
जाके बोली, अरे बेबी तुम तो नाराज हो गए, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी ताकि मैं भी उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकूं। जीत इस पर बिना किसी एक्सप्रेशन बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। रंजीत राय अपने बेटे को देख बोला, आज कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरी बात माननी होगी जीत, वरना ये नाम ये पोजीशन सब हाथ से चला जाएगा। जीत ने उस पर अपनी गदन पर अजीब वे में हाथ फिरा के रिलैक्स टोन में कहा, डेट जस्ट रिलैक्स, ये जगह और आपकी पोजीशन कोई भी अंधविश्वास वाला आके हिला नहीं सकता। ये मुंबई है हमारा किंग दम, हम यहाँ के किंग है, हम हमारे माफिया वर्ल्ड में कोई हॉलीवुड का किंग आके हमें हमारे शहर में हरा नहीं सकता, सो रिलैक्स करो और मीटिंग करो। रंजीत राय अपने बेटे की बात पर अपना सरहा में हिला के अंदर चला गया। जीत भी लड़की के साथ होटल में आ गया। अब तक सारे माफिया वर्ल्ड से जुड़े लोग वहां आ चुके थे, सबके दिमाग में एक ही सवाल था, समय मल्होत्रा और विरन ओबेरॉय का क्या कनेक्शन है और वो लोग किसी सपोर्ट करेंगे। रिजोर्ट होटल के टेरेस्ट पर एक साइड पार्टी रखी हुई थी और उसी टेरिस्ट की दूसरी साइड मीटिंग। समय तापसी को लेके सीधा उस मीटिंग प्लेस पर आ गया जहां पर गोल शकों में सोफे रखे हुए थे, उसके बीच में एक राउंड टेबल रखा हुआ था, उसके बीच में एक बोतल रखी हुई थी, उसमें रेड वाइन थी। समय तापसी को लेके एक सोफे पर बैठ गया, उसके पास सोफे पर अविरन वरुण राहुल बैठ गए, बाकी सारे लोग भी एक एक कर वहां आ गए। रंजीत राय और जीत भी वहां आ गया। आते ही जीत की नजरें तापसी पर गई और उसके चेहरे पर तिरछी इवल स्माइल आ गई, जिसे देख समय के हाथों की मुठिया कस गई और उसने तापसी की कमर पर अपनी पकड़ कस उसे अपने करीब कर लिया। तापसी समय के अचानक पकड़ने से हैरानी से आंखें भरी कर उसे देखने लगी, लेकिन जब उसने समय की नजरें दूसरी ओर देखी तो उसने भी समय की नजरों का पीछा कर उस ओर देखा जहां जीत खड़ा था। वो जीत को देख सहम गई, उसकी आंखों में डर उतर आया, उसके सामने वो सब आ गया जब जीत रंजीत ने उसे पकड़ा था मारा था। तापसी वो सब याद कर तुरंत अपनी नजरें फिर समय के सीने से लग गई, अपना चेहरा समय के सीने से लगा लिया। जीत को देख तापसी के चेहरे पर फिर से डर दिखने लगता है। तापसी के ऐसे गले लगने से समय की नजरें जीत पर शद हो गई और तापसी पर अपनी पकड़ टाइट हो गई। जीत की नजरें भी तापसी को समय के करीब देख लाल हो गई थी। दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों से घूर रहे थे, जैसे एक दूसरे को आंखों से ही मार डालना चाहते हो। पास खड़े रंजीत ने भी एक नजर समय को देख जीत के कंधे पर हाथ रख उसे आंखों से शांत होने का इशारा किया। जीत समय के ठीक सामने वाले सोफे पर अपने साथ आए लड़की को लेके बैठ गया। समय और उसके बीच सिर्फ एक टेबल का फासला था। रंजीत अपने माफिया दोस्त से बात करने दूसरी साइड जहां पार्टी हो रही थी वहां चला गया। माफिया वर्ल्ड में रंजीत राय सिघानिया एक बड़ा और पावरफुल नाम था जिसे हर माफिया डरता था, कोई भी उसे रायवली लेना अफो नहीं कर सकता था, इसलिए आज तक उसकी जगह कोई नहीं ले पाया। उसने अपनी आधी जिंदगी माफिया पर राज किया, फिर विरन ने आके उसे किंग की खुर्शी ली, रंजीत ने भी उसे दे दी और माफिया हेड को मार उसकी जगह ले ली। आज तक किसी को नहीं पता रंजीत ने माफिया हेड का खून किया है, सबको यही लगता है माफिया हेड ने खुद अपनी जगह छोड़ी है। रंजीत जितना बाहर से दिखने में अच्छा बनता है उसे कहीं ज्यादा अंदर से बुरा है। उसने माफिया किंग बनके माफिया के कुछ ऐसे फैसले लिए है जिसे अविरन ने बैन किया। रंजीत ड्रग्स को मेडिकल स्टोर पर बेचा करता था, कॉलेजों में पार्टियों में यहाँ तक बच्चों की बर्थडे पार्टी में भी उसने ड्रग्स बेचे, लड़कियों की तस्करी से लेके सब कुछ किया। रंजीत के बारे में अविरन को भी इतना पता नहीं था जितना समय को पता चल चुका है। वहां आए सारे माफिया रंजीत के दोस्त थे, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जिसे रंजीत की दुश्मनी होगी, वरना आधे से ज्यादा लोगों के साथ रंजीत की अच्छी दोस्ती थी, इसलिए समय की धमकी के बाद भी रंजीत को इतना फर्क नहीं पड़ा। जीत भी इसलिए वही बेखौफ घूम रहा था। वही अविरन एक नजर रंजीत जीत को देख केविन को बुला के पूछता है, क्या खबर मिली। केविन ने परेशानी भरी आवाज में धीरे से कहा, बोस मैंने पता किया तो पता चला यहाँ के सारे माफिया रंजीत के
साथ है उन सब ने एक यूनिटी बनाई है, आपको किंग की खुर्शी से हटाने की पूरी तैयारी है। उसकी बात सुन पास बैठा वरुण मुस्कुरा के बोला, रिलैक्स केविन, यह वही होगा जो समय ने सोचा है। जब तक यह वो है तब तक ना ही तुम्हारे बोस की खुर्शी जाएगी ना ही कोई यूनिटी टिक पाएगी। अविरन ने भी उस पर अपना सरहा में हिला के कहा, अब तुम पार्टी इंजॉय करो, यहाँ जो करना है वो खुद करेगा, मुझे समय पर पूरा यकीन है। हाँ वो थोड़ा डोमेटिक है लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। अगर उसने कहा है कि मैं माफिया हेड बनूंगा तो मुझे कोई डर नहीं, मैं उसके हर फैसले पर साथ हूँ, सिर्फ है वो फैसला बिना झटके का हो। अविरन की लास्ट बात सुन वरुण केविन राहुल की हंसी निकल गई। राहुल हंसते हुए बोला, भूल जा मेरे भाई की, उसका कोई फैसला बिना झटके का होगा। हमने आज तक जितने भी झटके जेले है वो सब हमारे दोस्त की मेहरबानी है, वरना कहा मैं एक आर्मी ऑफिसर जो आज माफिया लोगों के बीच बैठा है। वरुण इस पर, तू आर्मी ऑफिसर अभी भी है, मुझे तो लगा था तूने आर्मी छोड़ दी। राहुल आंखें छोटी कर उसे घूर के, मुझे किसी कुत्ते ने नहीं काटा जो सरकारी नौकरी छोड़ दूं। उस पर वरुण मुंह बना के, तो यहाँ क्या कर रहा है, जाना तेरी बॉर्डर पर, वहां जाके आतंकवादी से लड़, हम माफिया अंडरवर्ल्ड के बीच क्या कर रहा है, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। राहुल उसकी बात सुन उसे बुरी तरह घूर के, हाँ हाँ तेरा तो बहुत काम है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला समझा, मैं आर्मी से पहले एक भाई हूँ जो अपनी बहन की हिफाजत करने आया है, वरुण उसके लिए समय काफी है। दोनों को बच्चों जैसे लगते देख अविरन केविन हंसने लगे। केविन अविरन के कहने पर भी वहां से नहीं गया, वो अविरन के पीछे खड़े होके कहता है, पार्टी से ज्यादा मजा तो यहाँ रहने में है बोस, यहाँ एक फुल एक्शन थरीफ कॉमेडी मूवी चलेगी जिसे मिस करने वाला कोई बेवकूफ ही होगा। ये सुन अविरन वरुण राहुल के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, सब समय को देखने लगे। वही समय तापसी को दरा सहमा देख उसकी पिट से हिला के बिना इमोशन के बोला, बटरफ्लाई काम डाउन। तापसी डर से कांप रही थी, उसने कैपते हुए कहा, वो माँ मुझे आपसे दूर ले जाएगा डेविड। समय बिना इमोशन के सामने की ओर देखते हुए बोला, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाएगा, तुम पर सिर्फ है और सिर्फ है मेरा हक है, तुम सिर्फ है मेरी हो। समय तापसी को दरा सहमा देख उसकी पिट से हिला के बिना इमोशन के बोला, बटरफ्लाई काम डाउन। तापसी डर से कांप रही थी, उसने कैपते हुए कहा, वो माँ मुझे आपसे दूर ले जाएगा डेविड। समय बिना इमोशन के सामने की ओर देखते हुए बोला, कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जाएगा, तुम पर सिर्फ है और सिर्फ है मेरा हक है, तुम सिर्फ है मेरी हो। तापसी समय की बात सुन डरते हुए सर उठा के समय की आंखों में देखने लगी, जिसमें उसे अपने लिए जुनून प्यार सनक साफ दिखाई दे रही थी। तापसी की नजरों को देख समय उसके सर पर अपने होंठ रख दिए, जिस पल तापसी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। अब उसका डर काफी कम हो चुका था। उसने समय से धीरे से कहा, क्या मैं आपकी गोद में बैठ जाऊं, मुझे अभी भी उनसे डर लग रहा है। समय उसे कमर से पकड़ अपनी गोद में ले लिया। तापसी उसके गले में बाहें डाल उसके सीने पर सर रख लिया। वहां काफी सारे लोग मौजूद थे, फिर भी समय को किसी से कोई मतलब नहीं था और अब तापसी को भी लोगों से मतलब नहीं था। सबकी नजर समय पर थी और तापसी को उसकी गोद में देख सब हैरान थे, सिवाय राहुल वरुण अविरन केविन राघव अफान के, उनको इसकी आदत हो चुकी थी। राहुल समय को घूरते हुए मुंह बना के कहता है, लगता है इसने बेशर्मी में पीएचडी की है। उस पर वरुण ने कहा, पीएचडी का तो नहीं पता लेकिन इसे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब उसकी बटरफ्लाई उसके पास हो तो दुनिया का होना ना होना उसके लिए एक बराबर है, फिर वो चाहे अपनी बटरफ्लाई को सबके सामने अपने करीब रखे या प्यार करे, वो उसका फैसला है। राहुल तापसी को देखते हुए बोला, लेकिन इस सब में मेरी क्यूटी कैसे बेशरम हो गई, वो कब से ऐसे सबके सामने समय की गोद में जा सकती है, जैसे समय उसे अपने करीब रखना चाहता है। बिल्कुल वैसे अविरन ने मुस्कुरा के कहा और आगे बोला, वो कहते हैं ना कोई भी इंसान अगर किसी और इंसान के साथ ज्यादा समय बिताता है तो उस पर भी उसका थोड़ा बहुत असर होने लगा है, वैसे ही तुम्हारी मासूम बहन पर उसकी बेशर्मी का रंग थोड़ा तो चढ़ना ही था, वैसे जो भी है वो
तुम्हारी छोटी बहन और वो तुम दोनों के दोस्त के साथ जीजू भी है। तीनों ऐसे ही एक दूसरे से बातें करते रहे थे। वीरन का जो मीटिंग के लिए डर था वो समय को सामने देख अपने आप चला गया। अब चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। दूसरी ओर मैदान में दही हांडी की सारी तैयारी हो चुकी थी। हांडी को ऊपर लटका दिया था। व्योम व्योम भी अपने दोस्तों के साथ वहां आ चुके थे। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही लुक था। वही इलियाना श्लोक के साथ वही पर थी। वैसे तो उसे समय के साथ जाना था लेकिन समय ने उसे साफ मना कर दिया, जिस वजह से उसे मैदान में आने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। होटल में थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो गई। सारे माफिया रंजीत के साथ थे। सब रंजीत की ओर से बोल रहे थे। रंजीत के पास पूरे घमंड एटीट्यूड से बैठा हुआ था। समय तापसी को ऐसे ही गोद में लिए हुए सबकी बातें सुन रहा था। उसने अभी तक एक वर्ड नहीं कहा, ना ही अविरन वरुण राहुल में से किसी ने भी कुछ कहा। सब ऐसे ही बैठे सबकी बातें सुन रहे थे और बीच बीच में समय को देख रहे थे। समय के पीछे खड़ा शेरा जो सबकी बातें सुन रहा था वो गुस्से में बोला, तुम सबको जो बोलना है अपनी आवाज और तमीज में रहकर बोलो वरना। समय हाथ दिखा के उसे चुप होने का इशारा कर शेरा समय की एक आवाज पर चुप हो गया। एक माफिया ने समय को देखते हुए कहा, मिस्टर मल्होत्रा आप इस तरह माफिया वर्ल्ड में आके हम पर अपना फैसला नहीं चला सकते। आप होंगे अंडरवर्ल्ड के बादशाह लेकिन ये आपका अंडरवर्ल्ड नहीं है। दूसरे माफिया ने कहा, सही कहा, ये आपका अंडरवर्ल्ड या हॉलीवुड नहीं है जहां आप अपने फैसले सुनाओगे और हम सर झुका के मान लेंगे। तीसरे माफिया ने कहा, हम माफिया वाले किसी अंडरवर्ल्ड की बात नहीं सुनेंगे, फिर चाहे हमारे माफिया किंग ही क्यों ना बोले। वो अपने लोगों के साथ गद्दारी कर सकते हैं लेकिन हम हमारे हेड को धोखा नहीं देंगे। उन सबकी बात सुन जीत हंसते हुए बोला, सुन लिया मिस्टर हॉलीवुड किंग, या कुछ और भी सुनना चाहोगे? आई होप इतनी बेइज्जती बहुत होगी। तुमने उस दिन मेरे बाप को धमकी दी थी, आज मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। यहाँ से देसे आए थे वैसे निकल लो वरना तुम्हारे अंडरवर्ल्ड वाले भी तुम्हें निकाल फेंकेंगे, फिर ना तुम यहाँ के रहोगे ना वहाँ के। इतना कह के जीत गंदी हंसी हंसने लगा। हंसते हुए तापसी को देख फिर से बोला, और एक बात, जाते हुए हमें हमारी लड़की लोटा देना क्योंकि वो मेरे डेट की बेटी है, कोई अंडरवर्ल्ड के किंग की नहीं। तापसी जीत की बात सुन उसकी ओर पलट के बोली, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ हबी की हूँ, समझे तुम। समय तापसी की मासूमियत भरी बात सुन मुस्कुरा के उसे अपने सीने के ओर करीब कर लिया और जीत की ओर देखते हुए कहा, रिलैक्स बटरफ्लाई, तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं करेगा। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे दूर ले जाने की सोची भी तो उसे जिंदा दफना दूंगा। फिर समय वह बैठे सारे माफिया वालों को एक नजर देख मिस्टीरियस हंसी हंसते हुए पीछे खड़े शेरा से बोला, लगता है शेरा आजकल माफिया के लोगों को ओल्ड चीजों का ज्यादा ही शौक है। शेरा हंसते हुए बोला, सही कहा मास्टर, वरना आपने जिसे चुना वो इन बुधे से काफी बेहतर है। शेरा की बात सुन रंजीत गुस्से में चिल्ला के बोला, अपनी जबान पर लगाम दो। शेरा अपने कान में उंगली डाल समय से कहता है, मास्टर कुत्ते ज्यादा भूख रहे हैं, आप बोलो तो शांत करा दो। समय तिरछा मुस्कुरा के, नहीं शेरा इतनी जल्दी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। रंजीत उनकी बात सुन आग बबूला होने लगा। समय रंजीत को देखते हुए एक नजर सारे माफिया के लोगों को देख अविरन को बोलने का इशारा किया। अविरन ने समय के इशारे को देखते हुए बोलना शुरू किया, हेलो एवरीवन, में बात गोल गोल नहीं करूंगा, जो सीधा और साफ है वही कहूंगा। तो क्या कह रहे थे तुम सब कि तुम मेरे खिलाफ जाओगे? तो मैं भी देखना चाहता हूँ यहाँ मौजूद किस किस में दम है जो मेरे खिलाफ जाए जाना चाहते हो, शोक से जाओ। ये अविरन ओबेरॉय किसी के बाप से नहीं डरता। हाँ मेरा अंडरवर्ल्ड के किंग के साथ रिश्ता है, हम अच्छे दोस्त हैं और मैं उसके साथ हूँ। उसने जो फैसला सुनाया उसमें मैं पूरी तरह सहमत हूँ, बाकी जिसे जो सोचना है सोचे, डेम आई डोंट केयर, जिसे मेरे खिलाफ जाना है जाए, जिसे बिजनेस में मुझसे रायवली करनी है करे, आई डेम डोंट केयर। ना ही मुझे माफिया हेड से कोई लेना देना है, ना ही तुम सब में से किसी से भी, तुम सब एक यूनिट होके मुझ पर वार
करो या अलग अलग में हर वार के लिए तैयार हूँ। अविरन इतना कहकर चुप हो गया। उसकी बात सुन एक माफिया बोला, तो फिर तुम किंग की खुर्शी छोड़ दो, हम सब चाहते हैं माफिया किंग रंजीत सर के बेटे जीत भाई बने। तभी एक शद आवाज आए, अगर तुम लोग रंजीत के बेटे को ही माफिया किंग बनाना चाहते हो तो मुझे भी कोया प्रॉब्लम नहीं है। आवाज किसी और की नहीं, समय की थी। उसकी बात सुन सब हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। इस बार हैरान अविरन राहुल वरुण भी थे। समय नॉर्मल टोन में बोला, क्या हुआ, मैंने तो आप सबका साथ दिया, अभी आपके साथ ही माफिया ने ही कहा वो अपने सो कोल सर के बेटे को माफिया किंग बनाना चाहते हैं तो बना ले, मैं इसमें साथ दूंगा, या फिर तुम सब चाहो तो उस चेयर पर मैं खुद उसे बिठाऊंगा। जीत ये सुन मुस्कुराने लगा, लेकिन रंजीत के चेहरे पर हैरानी कंफ्यूजन के मिक्स एक्सप्रेशन थे। एक और माफिया समय की बात पर बोला, तो फिर हम माफिया किंग को चेंज कर रहे हैं, मेरा वोट हेड के बेटे को है। दूसरे ने कहा मेरा भी, तीसरे ने कहा मेरा भी। ऐसे कर सारे माफिया मिलके अपने अपने वोट रंजीत के बेटे को देने लगे। समय ने आखिरी में कहा, मेरा वोट भी मिस्टर रंजती राय के बेटे को है। लेकिन उसने जैसे ही लेकिन बोल पोज लिया, सब एक तक उसे देखने लगे। उसने कुछ देर चुप रह के सस्पेंस क्लियर करते हुए बोला, अगर मिस्टर रंजीत राय का बेटा किंग बनेगा तो उसे हेड की चेयर छोड़नी होगी, क्योंकि माफिया वर्ल्ड का यही सबसे बड़ा नियम होता है, कभी किंग और हेड एक खुन से नहीं होते, इसलिए उस पर मिस्टर अविरन ओबेरॉय बैठेगा। समय ने जैसे ही ये कहा, सारे माफिया सोकद हो गए। सबको इस नियम का पता था, फिर भी वो सब रंजीत का साथ देके बोलने लगे, हम इस नियम को नहीं मानते, हम में से कोई भी अपने हेड को नहीं बदलना चाहता। मीटिंग में एक बार फिर से सबकी आवाज तेज होने लगी। रंजीत गुस्से में लाल आंखों से अविरन को देख समय से बोला, ये आज का आया लड़का मेरी जगह लेगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भी एरा गेरा आके मेरी जगह नहीं ले सकता, हम सब माफिया से है, यहाँ के नियम भी हम बनाते हैं और उसे बदलने का हक भी हमें है, अगर इसने मेरी जगह लेने की कोशिश भी की तो यहाँ मौजूद कोई भी इसका साथ नहीं देगा। उसने पूरे यकीन से सबकी ओर देखते हुए कहा, तो सब ने हाँ में आवाज उठाई, सब रंजीत की बात पर हामी भर रहे थे। समय एक नजर रंजीत को देख बाकी सबकी ओर देख फिर बोला, तो ठीक है, आप में से जो भी मेरी बात से सहमत नहीं है वो हाथ उठा दें। समय के कहते ही सारे लोगों ने हाथ उठाया, सिर्फ उन गिने चुने लोगों को छोड़ के समय सबके हाथ ऊपर देख शेरा के आगे हाथ किया। शेरा ने अपना टैब समय के हाथ में रख दिया। समय ने टैब लेके उस पर स्क्रॉल करते हुए कहा, मिस्टर कपूर, मैंने सुना है आपकी इंटरनेशनल बहुत सारी कंपनी है, जैसे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड में, अगर वो कल बेन हो जाए तो। और मिस्टर खुराना, मैंने सुना है आपकी इंडिया से बाहर काफी सारी डील हो रही है, कहीं ऐसा हो गया कि वो सब एक पल में कैंसल हो गई तो। और मिस्टर जेन, आपकी यहाँ की और बाहर जितनी भी डील मेरे और अंडरवर्ल्ड से साथ है, अगर मैं पीछे हट जाऊँ तो आपको मेरी कंपनी को कल तक मुझे सारे पैसे लौटाने पड़े तो। समय टैप शेरा को वापिस कर अपने सर पर टेप करते हुए कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए आगे बोला, सोच लीजिए, यहाँ मौजूद सब कहीं ना कहीं मुझसे और मेरे लोगों से दिल प्रोजेक्ट पार्टनरशिप पर जुड़े है, अगर मेरे एक ओदा पर सब कैंसल हो गई तो आप सबका क्या होगा। आई थिंक आप सब रास्ते पर आ जाओगे, आप सबके लीगल इनलीगल बिजनेस अंडरवर्ल्ड से कट हो जाएंगे, बाकी कोई भी देश यहाँ के माफिया को मालगन ड्रग सप्लाई ना करे, सोच लो आप सबको क्या चाहिए। फिर उसने शेरा को देख कहा, शेरा, अंडरवर्ल्ड को मेरा फैसला सुना दो, यहाँ जीतने हाथ खड़े है सबके नाम, और कंपनी को रिजेक्ट करो, मेरी ड्रैगन कंपनी ने इनकी जितनी कंपनी के शेयर खरीदे हैं सबके पैसे रिट मांगो, साथ ही यहाँ मौजूद जिसके भी प्रोजेक्ट हमारे यहाँ अंडरवर्ल्ड के सार है सब कैंसल करो। जैसे ही समय ने अपनी बात पूरी की, सबके हाथ एक झटके में नीचे हो गए, सबके चेहरों के रंग बदल गए। शेरा सबको देख तिरछा मुस्कुरा के बोला, लेकिन मास्टर, यहाँ तो सबके हाथ नीचे हो गए है, लगता है ये सब आपके साथ है। शेरा की बात पर मिस्टर खुराना बोले, जी हाँ, हम सब इनके साथ है, मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ, मैं मिस्टर
ओबोरोय को हेड बना के साथ हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इनके हेड बनने से। मिस्टर कपूर बोले, और मैं भी, मैं मिस्टर मल्होत्रा से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। जैसे ही समय ने अपनी बात पूरी की, सबके हाथ एक झटके में नीचे हो गए, सबके चेहरों के रंग बदल गए। शेरा सबको देख तिरछा मुस्कुरा के बोला, लेकिन मास्टर यहाँ तो सबके हाथ नीचे हो गए हैं, लगता है ये सब आपके साथ है। शेरा की बात पर मिस्टर खुराना बोले, जी हाँ हाँ हम सब इनके साथ है, मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ, मैं मिस्टर ओबोरोय को हेड बना के साथ हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है इनके हेड बनने से। मिस्टर कपूर बोले, और मैं भी, मैं मिस्टर मल्होत्रा से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था लेकिन अब सब क्लियर हो गया है। ऐसे कर सब समय से माफी मांगने लगे, जो भी समय के खिलाफ थे सब उसके साथ होने लगे। सबकी आवाज और टोन एक पल में बदल गई, जहां थोड़ी देर पहले आवाज ऊपर थी, अब आवाज के साथ सर भी नीचे सो गया। वही वरुण राहुल उनको गिरगिट की तरह रंग बदलते देख मुस्कुरा रहे थे। वरुण अपने मोकतेल का एक सीप लेके मुस्कुरा के बोला, जंगल में रह के शेर से बेर नहीं किया करते, वरना शेर कब पंजा मारेगा पता भी नहीं चलेगा। उस पर शेरा ने भी डेविल स्माइल कर कहा, इनको लगता था ये सब मास्टर से बगावत करेंगे और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये सब भूल गए थी कि इनके लीगलर और इनलीगलर दोनों बिजनेस बाहर की कंट्रियों में भी है, जहां से इनका टर्न ओवर इंडिया में होता है। अगर वो बेन हुआ तो ये सब करोड़ों डॉलर से लाखों हजारों पर आ जाएंगे, जो ये ओफो नहीं कर सकते। शायद हो सकता है रास्ते पर भी आ जाए, फिर ये सब सिफे नाम के माफिया तो रहेंगे, लेकिन कमाए और दर जीरो के बराबर होगा। शेरा की बात सुन वरुण राहुल राघव अफान केविन अविरन सबके चेहरों पर इवल स्माइल आ गई, सब जोर जोर से हंसने लगे, सबने अपने ग्लास टकरा के चीयर्स किया। वहां मौजूद सब माफिया अब समय के साथ थे, सबके सर झुके हुए थे। वही रंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, वो खुद भूल चुका था कि उसके आधे से ज्यादा बिजनेस बाहर के देश में और सबसे बड़ा बिजनेस अमेरिका में है, जिसमें समय की कंपनी के साथ भी उसका बिजनेस चल रहा है। वो इन सब में समय का पूरा नाम, उसकी पहचान, पावर सब भूल गया। समय सबको एक नजर देख रंजीत के रंग उड़े हुए चेहरे को देख तिरछा मुस्कुरा दिया। समय ने हाथ से शेरा को इशारा किया, शेरा ने सबके सामने दो पेपर रखे। पेपर को देख सब और भी डर गए। उन पेपर में एक समय के खिलाफ जाके जो कुछ होगा वो लिखा हुआ था, तो दूसरे में समय के साथ रह के अविरन को माफिया हेड चुनना। समय ने सबके सामने लीगल पेपर रखे थे, जिस पर साइन कर वो अपना फैसला लेगे। समय कोई भी चीज करता हो, चाहे लीगल हो चाहे इनलीगल, हमेशा फुल प्रूफ तरीके से करता, ताकि आगे जाके कोई अपनी बात से, अपनी जुबान से पलट ना सके। सब बिना रंजीत को देखे समय के साथ वाले पेपर पर साइन कर दी। किसी ने भी दूसरे पेपर को छुआ तक नहीं। उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो समय के खिलाफ जा सके, फिर ये जान के बाद तो बिल्कुल नहीं कि वो कितना पावरफुल और खतरनाक है। वहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी और के लिए खुद को बर्बाद कर सके। यहाँ तक रंजीत के जो दोस्त थे वो सब भी समय के अविरन के साथ हो गए। उन्होंने भी दोस्ती से पहले पैसा चुना। सबके साइन करने के बाद शेरा ने सारे पेपर लेके केविन को दे दिए। केविन तो समय की चाल देख इम्प्रेस हो चुका था। समय ने जिस तरह के पासे फेंके उसे, सब एक झटके में क्लीन बोल हो गए। कहा, सबने यूनिटी बना के अविरन को किंग से हटाने का फैसला लिया था, और कहा अब उन्हीं लोगों ने उसे हेड बनाया। केविन समय के दिमाग से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, वही अविरन भी समय के एक्शन से हैरान और खुश दोनों था। समय ने तापसी के सर को सहलाते हुए सबको देख आगे कहा, अब आप सबने माफिया हेड तो चुन लिया, अब बारी माफिया किंग की। तो जैसे मैंने पहले कहा था, माफिया किंग आप सबकी पसंद का होगा, जिसे आप सबने अपने कीमती वोट देके चुना है, जो आज से माफिया किंग की खुर्शी संभालेगा। समय की बात सुन मिस्टर खुराना बोले, तो क्या आप मिस्टर सिघानिया के बेटे को माफिया किंग बना रहे हो? इस पर समय तिरछी डेविल स्माइल कर बोला, मैं कौन होता हूँ किसी को किंग बनाने वाला? बनाने का काम तो आप सबका
है ये माफिया वर्ल्ड तो आप सबका है। आप सबने ही रंजीत राय सिघानिया के बेटे को किंग चुना है, तो फिर मैं कैसे इसके खिलाफ जा सकता हूँ। सब समय की बात सुन हैरानी से, कभी रंजीत राय को देखते कभी उसके पास बैठे जीत को। समय ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, तो मिलिए एक्स माफिया हेड मिस्टर रंजीत राय सिघानिया के बेटे जी से। आप सबने अपने वोट देके माफिया किंग चुना है राहुल रंजीत सिघानिया। जैसे ही समय ने नाम अनाउंस किया सबको एक और झटका लगा। ये झटका पहले वाले से दुगना था और सबसे बड़ा झटका खुद राहुल को लगा। ये सुन उसके हाथ से वाइन का ग्लास तक छूट गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सबको ये बात नहीं पता थी कि रंजीत राय का एक और बेटा है। सबको सिर्फ अजीत के बारे में पता था। थोड़ी देर मीटिंग में अजीब सी खामोशी हो गई। किसी की जुबान से एक वद नहीं निकल रहा था। वही राहुल का मुहूर्त, आंखें दोनों खुला हुआ था। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।